आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़कर इनमें से कौन से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है वो बताना है तो यानी सही स्टेटमेंट्स को इनमें से हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है के बायोनियल नामचर का आइडिया सबसे पहले गैसपर्ड बोहिन ने इंट्रोड्यूस किया है अब वैसे तो ज़्यादातर देखा जाता है कि कैरलस लिनियस को ही हम फादर ऑफ मॉडर्न टेक्जोनॉमी कहते हैं टेक्जोनॉमी मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है बायोनोमियल नॉमिनचर के लिए यानी हमारे लिविंग वर्ल्ड में जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं ऑर्गेनिज़म्स की उनकी नेमिंग का जो सिस्टम है वो कहते हैं कैरलस लिनियस ने दिया है लेकिन इससे भी पहले गैसपर्ड बोहिन नाम के हमारे एक स्विस फिजिशियन और बॉटनिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को क्लासिफाई किया इनकी आइडेंटिफिकेशन की और बाइनोमियल नॉमन जैसे ही कुछ सिमिलर सिस्टम से यानी दो वर्ड्स को यूज़ करके इन्होंने प्लांट्स की डिफरेंट स्पीशीज़ को नेम किया था तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इसका आइडिया इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा दूसरा हमें स्टेटमेंट दिया है कि मैंजुफेरा इंडिका एल के नेम में एल जो सिंबल है वो उस पब्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर सबसे पहले इसे पब्लिश किया गया था अब ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी मैंजुफेरा इंडिका हमारा एक साइंटिफिक नेम है जो बाइनोमियल नोम के सिस्टम के हिसाब से रखा गया है लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो एलिमेंट्स बायनोमियल नेम में होने चाहिए एक तो जीनस का नेम और दूसरा हमारा स्पीशस का नेम यानी इसका स्पेसिफिक एपिथेट लेकिन यहाँ पर लास्ट में जो एल लिखा हुआ है ये कभी कभी कुछ साइंटिफिक नेम्स के बाद लिखा जाता है लेकिन ये उस साइंटिस्ट के नाम का फर्स्ट लेटर होता है या फर्स्ट फ्यू लेटर्स होते हैं जिन्होंने ये साइंटिफिक नेम रखा है लेकिन पब्लिकेशन का नाम इस तरह से हम साइंटिफिक नेम में इंक्लूड नहीं करते तो यहाँ पर जो एल है इसका मतलब है लिनियस क्योंकि कैरलेस लिनियस ने ही ये साइंटिफिक नेम मैंगो के लिए रखा था तो यहाँ पर इस सिंबल का यहाँ पे गलत मीनिंग दिया हुआ है तो स्टेटमेंट सही नहीं है फिर कह रहे हैं कि नोमनक्लेचर के पोलिनोमियल सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स के डिस्क्रिप्टिव नेम्स को यूज़ किया जाता है बिल्कुल सही बात है ये बायोनोमियल नोमक्लेचर से पहले जब हम दो वर्ड्स में साइंटिफिक नेम नहीं बनाते थे तब हम एक पोलिनियल सिस्टम यूज़ करते थे जिसमें साइंटिस्ट किसी भी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स की एक स्ट्रिंग यूज करते थे या हम कह सकते हैं कि उस स्पीशीज के बारे में इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या प्रॉपर्टीज से रिलेटेड वर्ड्स उसके नाम में डाले जाते थे तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पोलिनोमियल सिस्टम था उसमें डिस्क्रिप्टिव नेम्स को हम नॉम्क्लेचर में यूज़ करते थे ये स्टेटमेंट भी सही है और लास्ट में कह रहे हैं बाइनोमियल सिस्टम कैरलस लिनियस ने प्रपोज़ किया था तो ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि असल में कैरलस लिनियस नाम के हमारे एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग के लिए ये सिस्टम दिया था कि जीनस और स्पीशीज का नाम लेकर हम उनके लिए यूनिवर्सली रिकग्नाइज साइंटिफिक नेम बनाएंगे लेकिन पहले स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है कि इसका आइडिया पहले किसने इंट्रोड्यूस किया तो इस तरह की सिमिलर नेमिंग सबसे पहले गैसपर्ट ने की थी तो ये स्टेटमेंट दोनों ही हमारी सही है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी कौन सी हो गई हमारी ऑप्शन डी सही आंसर मार्क करेंगे वन थ्री एंड फोर सही है सिर्फ स्टेटमेंट टू यहाँ पर गलत है क्योंकि मैंजिफेरा इंडिगा के बाद जो हम एल लिखते हैं वो रिप्रेजेंट करता है कैरलस लिनियस के लास्ट नेम को ना कि किसी पब्लिकेशन या बुक के नाम को क्लास ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर